आप कैसे हो? आज ब्लैकबोर्ड पे क्या लिखा हुआ है? थर्ड एक्सरसाइज हमारी 3.3 जो चल रही थी, प्लेइंग विद नंबर्स। आज इसके अगले पार्ट पर जो आने हैं, मैंने थर्ड क्वेश्चन के एच पार्ट पे हैं हम। आगे क्या करवाया था? पहले आपको डिविजिबिलिटी बाय 6, ये देखिए डिविजिबिलिटी बाय 11। आज इसके सारे सम करने हैं हमने। डिविजिबिलिटी बाय 6, इसका रूल क्या था? इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 2 एंड 3 बोथ, देन इट इज डिविजिबल बाय 6। अगर ये डिजिट 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होता है, देन इट इज डिविजिबल बाय 6। 2 से मल्टीप्लाई होएगा कितना आएगा? 9 आ जाएगा, और 3 से होएगा तो 6 आएगा, देन इट इज डिविजिबल बाय 6। 11 का क्या है? 11 का क्या कहता है? द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द डिजिट एट ऑल प्लेसेस फ्रॉम द राइट। अब यहाँ पे ऑड नंबर है कि इवन नंबर है, दैट इज ऑड नंबर। यहां से शुरू करना है, ऑड इवन ऐसे लिख के, ऑड इवन ऑड। पहले हमने राइट तरफ से देखना है कि वो नंबर ऑड है कि इवन है। फिर क्या है, इन दोनों को, इन तीनों को हमने ऐड कर लेना है जो ऑड नंबर है, जैसे 6 + 8 + 9, ठीक है, ये ऑड नंबर है, ठीक है, और ये क्या है? इवन नंबर है। ये क्रॉस वाले जो है इवन नंबर है। ये दोनों 1 और 0 को प्लस किया, 1 आ गया। 6 + 8 + 9 को प्लस किया, कितना आया? 6 + 8 = 14 + 9 = 23। 23 आया, दैट इज डिविजिबल बाय इन दोनों। 23 में कितने माइनस किए? 1, तो 20 आ गया, 22 आ गया, सॉरी। ये देखो, ऑड इवन दोनों नंबर जो है ऐड कर लेने हैं, इवन प्लेसेस और ऑड प्लेसेस। ये क्या है? ऑड नंबर है, ये इवन है, ये ऑड है, ये इवन है, ये फिर ऑड। ऐसे हमने राइट से शुरू करना है, राइट से देखना है कि वो नंबर ऑड है कि इवन है। अगर ऑड है तो नेक्स्ट इवन, फिर ऑड, फिर इवन, फिर ऑड, ऐसे लिखना है। तो फिर जो ऑड नंबर है उनको अलग से प्लस करना है, 6 + 8 + 9, ध्यान से देखो। फिर आगे कितना है? फिर इवन को अलग से प्लस करना है, 8 × 6 = 14, 14 × 23, 23 और इसका कितना आया? 1। तो कहते डिफरेंस, इफ द डिफरेंस इज आइदर 0 और डिविजिबल बाय 11। कहता अगर इनका डिफरेंस जो है, 23 में से 1 गए कितना आ गया? 22। इट इज डिविजिबल बाय 11, 0 नहीं आ रहा हमारा, लेकिन कितना आ रहा है? 22। 22 इज डिविजिबल बाय 11, देन दैट डिजिट इज आल्सो डिविजिबल बाय 11। पहले इसको अच्छी तरह समझ लेना है। राइट साइड से हमने ऑड इवन शुरू करने हैं, फिर ऑड को अलग से प्लस करके, ये देखो इसकी डेफिनेशन, 11 की डेफिनेशन आपने अच्छी तरह समझ लेनी है, इसी से सारे सम करने हैं। राइट साइड से अगर वो इवन नंबर है कि ऑड नंबर है, अगर इवन है तो इवन पहले लिखोगे, अगर ऑड है तो ऑड पहले लिखोगे। फिर ऑड को अलग प्लस करना है और उसको अलग प्लस करके इनको माइनस कर देना है, देन वी विल डिस्कस दैट कि वो ये डिविजिबल है या नहीं। ओके, आज हम आ गए जो थर्ड क्वेश्चन का, हमारा कौन सा पार्ट रहता था? 3.3 एक्सरसाइज का थर्ड का एच पार्ट, थर्ड क्वेश्चन का एच पार्ट क्या है? 1, 2, 5, 8, 3, 1, 10, 100, 1000 और 10,000, 12,583 है, डिविजिबल बाय 2। कहता डिविजिबल बाय 2, लास्ट डिजिट शुड बी 0 और इवन। लास्ट डिजिट क्या बोला उसने? लास्ट डिजिट शुड बी 0, ये इसका हमारा रूल था, शुड बी 0 और इवन। इसका लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए? शुड बी डिविजिबल, किसके साथ? शुड बी 0 और इवन होना चाहिए। इसका क्या है? 1, 2, 5, 8, 3, इसका क्या नंबर है? लास्ट ऑड है, ऑड निकल आया, तो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2, नॉट डिविजिबल बाय 2। ये हम 6 का कर रहे हैं, डिविजिबिलिटी बाय 6। ओके, नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय, आज मैं 11th वाले भी करवाऊंगी आपको, डिविजिबिलिटी बाय 3। इसका क्या था डेफिनेशन?
Sum of all digits should be multiple of 3. मल्टीपल ऑफ 3 से मल्टीपल होना चाहिए. क्या है इसका? 12583, 12,583. कैसे आया? 12583. इसको कैसे प्लस किया? 1 + 2 + 5 + 8 + 3. यही इसकी डेफिनेशन लिखी है हमने. इट शुड बी सम ऑफ ऑल डिजिट शुड बी मल्टीपल ऑफ 3. 3, 8, 16, 19. ये कितना आ गया? 19. 19 तो जाता ही नहीं है 6 से. नो, अगर एक जा रहा है दूसरा नहीं जा रहा है तो ये रकम नहीं जाएगी 6 से डिविजिबल. ठीक है? नो, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 3. होगी ना, ये डिविजिबल नहीं होगी 3 से. सो अगर ये नहीं है तो सारी रकम भी नहीं है हमारी. 12,503 is not divisible by 6. आगे समझ, इसका 2 और 3 का हमने रूल करना है. नेक्स्ट है आई पार्ट हमारा, GHI, थर्ड का आई पार्ट. आई पार्ट क्या है? थर्ड क्वेश्चन 639210, ये है हमारा. ठीक है? वंस टेंस हंड्रेड हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लैक्स 6,39,210 divisible by 2. ये 2 से है या नहीं है? कहता क्या था? लास्ट डिजिट शुड बी 0 और इवन, या 0 होना चाहिए या इवन होना चाहिए. ये क्या है? 0 है तो इसका है ही पता ही लग गया हमें कि ये डिविजिबल होगी. ये रहा इवन, लास्ट डिजिट क्या है? 0. 0 आगे क्या है? इवन. यस इट इज डिविजिबल बाय 2. यस इट इज डिविजिबल बाय 2. ओके, ये 2 से डिविजिबल है. क्यों? क्योंकि इसका लास्ट डिजिट जो है वो 0 है. नेक्स्ट हमने और क्या कंडीशन है? Divisible by 3. कहता ये 3 से है डिविजिबल. इसकी क्या लिखनी थी? डिविजिबल बाय सम ऑफ ऑल डिजिट. ये आपको याद होनी है, ये याद रखनी है. ये डेफिनेशन शुड बी मल्टीपल, ये वहां पे पेपर में नहीं आएगी, ये आपने खुद याद करनी है. शुड बी मल्टीपल ऑफ 3. 3 से तो मल्टीपल होगा अगर सारा का जोड़. ठीक है? 639210, इनका क्या बना जोड़? 6 + 3, 9 + 9, 18 + 2, 20, 20 + 1, 21, 0. 21 हो गई. Yes, it is divisible by 3. ये 3 से divisible है, 2 से भी divisible है. तो ये सारी रकम जो है हमारी, so 639210 is also divisible by 6. ओके, आगे समझ इसका. नेक्स्ट है हमारा लास्ट पार्ट, थर्ड का जे पार्ट.
लास्ट पार्ट क्या है थर्ड क्वेश्चन का, 1 7 8 5 2 ये है डिविजिबल बाय 2। ओके लास्ट डिजिट शुड बी, क्या कह रहा है, शुड बी 0 और इवन। ये क्या है, इवन है कि जीरो है, ये है इवन, ठीक है। 1 7 8 5 2 1 7 8 5 2 1 10 100 1000 10,000 17,852 even, it is divisible by 2, divisible by 2। Next क्या है, इसी का हमने करना है पार्ट, divisible by 3। ओके इसको दोबारा लिख लेते हैं, कोई बात नहीं, डिविजिबल बाय थ्री। इसकी डेफिनेशन क्या थी, सम ऑफ ऑल डिजिट। बच्चे इस वीडियो को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऑल डिजिट शुड बी मल्टीपल ऑफ 3। तो इसका क्या हुआ, 1 7 8 5 2 इनका मल्टीपल, प्लस किया इनको, 1 plus 7 plus 8 8 8 16 21 5 plus 8 8 23 23 is not divisible by 3। 23 तो होता ही नहीं है, अगर 3 वाला डिविजिबल नहीं है, 2 वाला डिविजिबल है, तो पूरी रकम क्या हुई, सो 1 7 8 5 2 इज नॉट डिविजिबल बाय 6। ओके इतना समझ आ गया आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। बाय बाय।